हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जो स्टूडेंट्स या जो पेरेंट्स मुझे जानते हैं उनको तो मेरे बारे में आइडिया है, लेकिन जो मेरा वीडियो लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन है ये बंदा। तो वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन है। आई एम रफ़ी अहमद। आई डिड माई बी टेक फ्रॉम NIT वारंगल। आई एम ए केमिस्ट्री फैकल्टी, जो प्रीवियस 7 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ। 7 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है और मैं पूरा केमिस्ट्री ट्रिक से पढ़ाता हूँ, जिसका बेस्ट प्रूफ है मेरा YouTube वीडियो लेक्चर जो कम्पटिटिव हब के नाम से है, तो वहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो। अगेन, आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ या फिर आप मेरी बात को क्यों सुन रहे हो। तो देखो, हर आदमी को अपनी लाइफ एक एम के अकॉर्डिंग जीना चाहिए। विदाउट एम लाइफ को जीना नहीं बोलते, काटना बोलते हैं। तो हम लोगों का ध्यान दे, बट हम लोगों का एम है, डैट मीन्स रफ़ी सर, राम सर एंड संतोष सर, इन लोगों का एम है कि इंडिया में एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों चीज़ को बेस्ट क्वालिटी में प्रोवाइड किया जाए एंड अफोर्डेबल प्राइस में, राइट। और इस एम को पाने के लिए हम लोगों ने पहला कदम रख दिया है, डैट मीन्स डोंबिवली एंड मुंबरा में JEE, नीट और CUT की हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। ये तीनों फैकल्टी हैं जिनका एम आपको क्लियर है, राइट। तो इस एम को पाने में हमें आप लोग का सहयोग चाहिए। आप लोग भी इस हम में आ सकते हैं, राइट। और वो कैसे, तो दो तरीके से। पहला तो पेरेंट्स से है कि पेरेंट्स जब भी कोचिंग डिसाइड करें इसके लिए, तो वो ज़रूर ये चेक करें कि वहाँ पे NITN या IITN BTech फैकल्टी है कि नहीं, क्योंकि मेरा मानना है दे कैन गाइड बेटर योर चाइल्ड, राइट। सेकेंड, आप कैसे सहयोग कर सकते हैं कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम लोग आज से ये अहद करें, आज से हम लोग ये ठान लें कि अब जो भी सरकार चुनेंगे उनसे हम एजुकेशन और हेल्थ की ही मांग करेंगे। क्यों? क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। तो ये सिर्फ वर्ड नहीं होना चाहिए, ये एक्शन में आना चाहिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। डैट मीन्स हम लोगों ने तो ये एम डिसाइड कर लिया है, अब लोग आते जाएंगे और कारवां बनेगा और एक दिन हमारा इंडिया इन दोनों चीज़ों में नंबर 1 होगा। जय हिंद, जय भारत।